Brothers. नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया डीजे सेटअप लाया हूं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, जो कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम में लगाया था। देख सकते हैं यहां पर कैसा लोग नाच रहे हैं। आज का वीडियो टोटली दिखाऊंगा इसमें हम लोग कौन सा हंडा लगाया था, कितना माइक लगाया था, कितना स्पीकर इसका एम्पलीफायर वगैरह हम टोटली आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डीजे सेटअप यहाँ पर तैयार किया है। दोस्तों अंदर हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी में फिट किया है। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले हम ज़्यादा एक हंडा यूज़ किया इसे चलाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर तीन माइक, यहाँ पर तीन हॉर्न यूज़ किया है। उसके साथ आप देख सकते हैं आहूजा SRX 500 का जो टॉप है, जो आहूजा SRX 500 के टॉप में अंदर की तरफ 400 वाट के स्पीकर लगे हुए एक एक साइड में, ठीक है। एक एक स्पीकर में आपको 400-400 वाट का स्पीकर लगा है, मतलब इसके एक टॉप बन जाता है 700 वाट का। हम देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर 1000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया है, जो कि BTZ 10000 है। साथ ही साथ में आपको 250 वाट के एम्पलीफायर यूज़ किया है और 5 KB का स्टेबलाइजर और एक स्ट्रेंजर का मिक्सर हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। दोस्तों एक राइडर का माइक्रोफोन यूज़ किया दोस्तों, काफ़ी अच्छा, मतलब कम दाम में 1200 का रेंज में बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है। देख सकते दोस्तों हम लोगों ने एक हंडा यूज़ किया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हंडा है, मतलब इस हंडा से हम लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर माइक वगैरह कैसा बांध दिया है, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये डीजे सेटअप ना। दोस्तों हम लोगों ने यह बहुत ही पहले का डीजे सेटअप है, आज का नहीं है। जैसे कि मेरे मोबाइल में वीडियो था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, जो कि यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है उसके यहाँ पर समय का एक वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने टोटली यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया है कि कैसे एक छोटा डीजे सेटअप लगाकर हम लोग पैसा इनकम कर सकते हैं, भी बढ़िया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बता दो दोस्तों, इस जो डीजे होता है जो इस नीचे की तरफ जो स्पीकर के आहूजा का नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम लोगों ने यहाँ पर जो स्पीकर के ऊपर की तरफ हम लोगों ने यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक का स्पीकर लगाया है 400 वाट का, ठीक है। और नीचे की तरफ 200 वाट का ही आहूजा का स्पीकर है, मतलब एक टॉप हो जाता है आपको 700 वाट। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कितने में लिया था, दो स्पीकर कितने में लिया था वो बताऊँगा दोस्तों। जब हम लोगों ने यहाँ पर जो स्पीकर लिया था उस स्पीकर का दाम था तभी का समय में लगभग आपको 40,000 रुपया पीआर था, जो कि SRX 500 अभी आसाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब आसाम के बाहर आपको बहुत ही कम है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर हॉर्न लिया है, आपका हॉर्न को दाम तो पता चल ही गया होगा। दोस्तों एम्पलीफायर BTZ 10000 अभी नया का प्राइस तो आप 40 से ऊपर है, और 250 का अभी हमारे आसाम में 20,000 से ऊपर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टोटली प्राइस बता दिया है आपको। हम लोगों ने यहाँ पर जो दुर्गा पूजा होता है उसके जो हम मूर्ति आप होते हैं जो नदी में विसर्जन करते हैं उसके लिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। इस डीजे सेटअप में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास कुछ भी डीजे से रिलेटेड सेकंड हैंड डीजे सेटअप बेचना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।